पंजाब में नशे के कारोबार पर लगातार सख्ती की वजह से अब नशा तस्करों ने हिमाचल का रुख कर लिया है। पंजाब और हरियाणा में युवाओं को नशे की लत लगाकर उनकी जवानी को खोखला करने के बाद अब नशा तस्करों के निशाने पर हिमाचल के युवा हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कंडाघाट की सजग पुलिस टीम ने 2 पंजाब के युवकों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। इन दोनों युवाओं के पास से भारी मात्रा में चिट्टे की खेप बरामद हुई है। एएसपी अशोक वर्मा ने इस मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि सोलन पुलिस द्वारा नशे को जड़ से खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें सोलन पुलिस नशा तस्करों पर पैनी नजर रखे हुए है। किसी भी नशा माफिया को सोलन में बख्शा नहीं जाएगा। एएसपी अशोक वर्मा ने बताया कि कंडाघाट में पुलिस की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि पंजाब नंबर की गाड़ी में 2 युवक सवार हैं और उनके पास नशे की खेप मौजूद है। उनकी टीम ने जाल बिछाया और उनकी गाड़ी को रोका तो उनके पास से 53.10 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े गए युवाओं में से एक युवक सिरसा हरियाणा का है, जिसका नाम उमेश है। वहीं दूसरा युवक तरुणदीप सिंह, जो अमृतसर का रहने वाला है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने जगह जगह गुप्तचरों को सक्रिय किया है। हर आने जाने वाले व्यक्ति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। नशा माफिया पर नकेल कसने के लिए सोलन पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन स्थानीय लोगों के सहयोग से बिना यह संभव नहीं है। इसलिए वे जिला वासियों से अपील करते हैं कि अगर उन्हें नशा माफिया के बारे में कोई जानकारी मिलती है तो उसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दें। कंडाघाट सब इंस्पेक्टर बिजलाल व थाना का जो स्टाफ था, बाजार में ड्यूटी कर रहे थे, उनको सूचना मिली थी कि एक पंजाब नंबर की गाड़ी आ रही है जिसमें 2 युवक बैठे हैं और उस वाहन में जो है मादक पदार्थ हो सकता है। समय करीब 9 बजे के आसपास एक गाड़ी I-20 जो पंजाब नंबर की थी, उसको चैल चौक कंडाघाट में रोका गया। रोकने पर उसमें उमेश नाम का एक युवक चला रहा था और उसके साथ एक व्यक्ति और बैठा हुआ था। तो उमेश और जो तरुण उसका साथी था तरुणदीप सिंह, इन दोनों से उनका नाम पता पूछा गया। तो जो ड्राइवर था वो सिरसा का रहने वाला था और जो साथ बैठा युवक था वो पंजाब अमृतसर का रहने वाला था। जब उनके वाहन को गाड़ी को चेक किया गया तो उसके अंदर से 53.10 ग्राम्स जो है वो चिट्टा बरामद हुआ है। तो पुलिस ने दोनों युवकों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है और इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। जिला सोलन पुलिस ने प्रत्येक थाना के अधिकार क्षेत्र में मुहिम चलाई है, जिसमें हम करीब करीब प्रत्येक रोज जो है NDPS के मामले दर्ज कर रहे हैं, जिसमें हमने कुछ लोगों को सादा वर्दी में भी तैनात कर रखा है और पंचायतों में भी लोगों से आग्रह किया है कि अगर कोई लोग इन धंधों में संलिप्त हैं तो उसके बारे में पुलिस को सूचना दें।